हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लेके आई हूँ, बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेके आई हूँ, जो बहुत सारी महिलाओं के, बहुत सारे व्यूअर्स के हमारे कमेंट थे कि हमें कटोरी ब्लाउज का चार्ट बताएं। स्पेशली मैंने उन्हीं लोगों के लिए तैयार किया है कि कटिंग में आपको जो भी दिक्कतें आती है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो आप इस चार्ट के जरिए आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज के साइज की लंबाई लेनी पड़ती है। देखिए, ये जो हमारे ब्लाउज की पूरी लंबाई हमने ली हुई है वो 12 इंच ली हुई है। सीना हमारा 28 से 30 इंच है। सीना आपको पता है कि सीना 28 होगा तो उसकी कमर 24 होगी, और अगर सीना 30 होगा तो उसकी कमर 26 होगी। कटोरी का नाप देखिए, जो ये हमारी आपको यहाँ हुकाई की पट्टी से और ये कटोरी की सिलाई देखिए, ये कटोरी की चौड़ाई का नाप है, इसे हम कटोरी का नाप बोलते हैं। तो आप ये कटोरी का नाप हमारा 28 सीने के ब्लाउज में कितना रहेगा, 6 इंच की कटोरी रहेगी। फिर हमने लिया है ऊपरी हिस्सा और नीचे के बेल्ट का हिस्सा। देखिए, जो ये ऊपरी हिस्सा है आप उसे समझिए, ऊपरी हिस्सा मतलब बेल्ट के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी बात हम कर रहे हैं, और बेल्ट का हिस्सा अलग है। अगर आप 12 साइज का 28 से 30 सीने का ब्लाउज बनाते हैं तो ऊपरी हिस्सा इसमें 10 इंच का रहेगा और नीचे का बेल्ट का हिस्सा इसमें 2.5 इंच का रहेगा। देखिए, अब हमारा आता है डाट की चौड़ाई का निशान और लंबाई का निशान। आप देखिए, मैं ब्लाउज को आपको उल्टा करके अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। देखिए, ये जो आप डाट देख रहे हैं ब्लाउज में, जो कटोरी में हम डाट डालते हैं, उसके लिए हमने चौड़ाई का निशान भी अलग ले रखा है और लंबाई का निशान भी ले रखा है। जब आप छोटे नाप का ब्लाउज बनाते हैं, 28 से 30 सीने का ब्लाउज बनाते हैं, तो देखिए लंबाई आपको कितनी लेनी है, 1.25 इंच लेनी है, और उसकी चौड़ाई डाट भी कितनी डालनी है, 1.25 इंच की ही डालनी है। क्योंकि 28 सीने और 30 सीने के ब्लाउज में इतना उभार नहीं होता कि हमें ज्यादा चौड़ा शेप, ज्यादा चौड़ा डाट डालना पड़े, ठीक है। उसके बाद में देखिए, 13 इंच के ब्लाउज में साइज लंबाई 13 रहेगी, सीना 32 रहेगा, कमर 28 रहेगी। इसके लिए हमें कटोरी का नाप 7 इंच लेना है। आपको मैंने पिछले वीडियो में, हर वीडियो में बहुत क्लियरली बताया है कि 7 इंच की कटोरी कैसे आएगी। सीने का हम चौथा करेंगे और चौथे में से हम एक माइनस करते हैं तो उससे हमारे कटोरी का माप आता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा 13 लंबाई के ब्लाउज में ऊपरी हिस्सा रहेगा वो कितने का रहेगा, 10.5 का रहेगा, और बेल्ट हमारा कितने का आएगा, 3 इंच का आ जाएगा। ऐसे ही हमारे आप इसमें डाट का जो निशान डालेंगे, वो डाट कैसे डालेंगे, 1.5 इंच की चौड़ाई का हम क्या डालेंगे, डाट डालेंगे, और 2 इंच की लंबाई लेंगे। जो हम डाट की लंबाई लेंगे वो 2 इंच की लेंगे, और चौड़ाई कितने की लेंगे, हम 1.5 इंच की लेंगे। यानी कि हमें ब्लाउज के अंदर कितने इंच का सल डालना है, 1.5 इंच का सल डालना है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। 13 लंबाई के ब्लाउज में 32 की लंबाई भी हम 13 ही रखेंगे, और 34 की लंबाई भी हम कितनी रख रहे हैं, 13 रख रहे हैं। उसके बाद देखिए, आप 14 इंच के ब्लाउज में, मैं आपको बताती हूँ, जब हम 14 इंच देखिए लंबाई अगर आप एक दूसरे की मेजर करते हैं, जैसे 32 सीने के ब्लाउज में अगर आप 14 लंबाई रखते हैं, तो ऊपरी साइज आपको 14 लंबाई के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों को आपको चार्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। देखिए, अब जैसे आप 14 इंच का ब्लाउज बनाते हैं 36 या 38 साइज का, तो कमर आपको इसी साइज से लेनी है। उसके बाद में 36 साइज के लिए हम कटोरी कितने की ले लेंगे, 8 इंच की ले लेंगे। उसके लिए ऊपरी हिस्सा हमारा 11 इंच का आएगा, और जो बेल्ट वाला भाग है वो हमारा 3.5 का आएगा। देखिए, ऊपरी भाग और बेल्ट का हिस्सा हमें इसलिए जरूरी होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी हम जब कस्टमर के ब्लाउज देखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो बेल्ट वाला भाग होता है ना, वो चेस्ट के बीच में से क्रॉस करता है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है, भद्दा लगता है, उससे शेप अच्छा नहीं आता। इसीलिए हमने ऊपरी हिस्से और बेल्ट को बिल्कुल अलग अलग चेंज करके आपको बताया है। उसके लिए देखिए, आपको जो सल की लंबाई, चौड़ाई का निशान लगाना है वो 1.5 इंच पे लगाना है, और सल की लंबाई का निशान 2.5 इंच पे लगाना है। यानी कि आपको 2.5 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा आपको क्या डालना है, कटोरी में सल डालना है। आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब उसके बाद देखिए, 14 साइज के ब्लाउज में आपको सेम 38 के नाप में भी इसी प्रकार से नाप लेने हैं। उसके अंदर जब 38 का नाप लगाएंगे तो आपका जो ये देखिए सल का निशान है वो थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी और किसी चीज में हमने चेंज नहीं किया है, सल का निशान चेंज हुआ है, जो कि 1.25 इंच चौड़ा हुआ है और 1.75 इंच लंबा हुआ है। यानी कि आपको क्या करना है, 1.75 इंच सल को लंबाई बढ़ानी है और 1.25 इंच का आपको सल चौड़ा लेना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि साइज हमारा बढ़ेगा उस हिसाब से हमें छोटे छोटे चेंजेस जो करने होते हैं वो आप चार्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
देखिए 15 इंच का जो हमारा ब्लाउज है, देखिए 15 इंच में भी हमने 40-42 साइज, हमारा सीना ज्यादा हो जाता है तो हम लेंथ को बढ़ा देते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं तो आप देखिए हमारा जो भी साइज है वो पूरा साइज के अकॉर्डिंग ही बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जो सल की चौड़ाई है वो हमारी 2 इंच की हो जाएगी और लंबाई जो है 3 इंच की हो जाएगी क्योंकि हमारा साइज बढ़ चुका है। अब देखिए इस चार्ट के थ्रू आप छोटी छोटी जो आपकी कटिंग में दिक्कत आती है उन सब चीजों को आप क्लियर कर सकते हैं। हमने फेसबुक पेज पर और भी चार्ट अपलोड कर रखे हैं, आप इस चार्ट को भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। थैंक यू।